हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मेरा नाम जान लीजिए भोला सा हैवी डीजल मैकेनिक की तरफ से कुछ लेकर आया हूँ। 75 का गियर, ठीक है, 75 का। तो आपको आज बताएंगे कैसे हमको फिट करना है। सबसे पहले हम ले लेंगे मेन सापट को कुछ ऐसा रख लेंगे जैसे कि हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हम लोगों ने उल्टे साइड से लिया है, पहले 2 और 1, उसके बाद रिवर्स डालेंगे और उसके बाद हम लोग 3 4 5 6 ऐसे करके डालेंगे। तो हम पहले आपको बताएंगे कि ये मेन शाफ्ट हमने ले लिया। चलिए देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो 75 का गियर जो है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बनाना। आप लोग एक बार सीख जाओ हमारे चैनल से, आपको बनाने में मुश्किल कोई नहीं होगी। एकदम आसान तरीके से हम समझाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे किस तरह हमको 75 का गियर बनाना है और फिटिंग करना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसमें हम आपको बताएंगे कैसे बारीकी से एकदम कि हमको कैसे गियर फिटिंग करना है 75 का। तो फ्रेंड्स, हम ये 2 नंबर का गियर हम डाल रहे हैं, इसके अंदर बेयरिंग भी है। आपको हम बेयरिंग भी दिखाएंगे कैसे, इस पर बेयरिंग कैसे है। इसमें कंगन बेयरिंग बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लेना है हमको ताकि हमारा फिटिंग में, ये देखिए, ये कंगन बेयरिंग है। कंगन बेयरिंग को घुमा कर देख लेना फ्री है कि नहीं। और ये हमने गियर फिर से डाल दिया 2 नंबर का, घुमा कर देख लेना है फ्री है कि नहीं है, थोड़ा जाम भी रहता है। और इसका हब है, हब को मैंने डाल दिया। हब डालने के बाद इसको कोई चीज़ से इसको ठोक लेना है, थोड़ा मतलब मारना है इसको, अंदर जाए थोड़ा बारीक अच्छे चीज़ से मार लेना है छोटी चीज़ से। तो ये अच्छे से बैठा लेना है हमको, और ये आराम से बैठा देना है इसको ताकि हमारा बाहर नहीं रह जाए। बाहर रहने के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम लोग सेटअप 3 रिंग को बैठाएंगे कि सेटअप 3 रिंग इसमें किसको बोलते हैं। ओनली दो इसको जो 2 नंबर है, ये देखिए मतलब बैठा रहे इसमें। तो पहला रिंग डाल दिया, चलो भाई जूम करके दिखाते हैं, फिर से दिखाओ भाई जाल। तो इसको हमने रख दिया। उसके बाद ये जो रिंग है, दूसरी रिंग डालेंगे हम लोग। ये सिक्रमाइजिंग थोड़ा फंस गया है, ये दूसरी रिंग डालेंगे तो ये खांचे में बैठ जाएगा। ये खांचा देख रहे हैं आप लोग, ये खांचे में बैठ जाएगा। खांचे में बैठाने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा आयल ले लेना है क्योंकि ये नवी चीज़ है। तो नवी के कारण क्या होता है, ये दिक्कत करती है, तो इसके लिए हमको आयल ले लेना है। उसके बाद ये सिक्रमाइजर रिंग को बैठा लेना है, थोड़ा सा फिर से भी इसमें आयल ले लेना है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम ये था गियर में कि 2 और 6 नंबर का प्रॉब्लम था, 2 नंबर 6 नंबर गियर छोड़ दे रहा था। तो हम लोगों ने सेटअप 3 का मंगाया था रिंग, और उसके बाद हब मंगाया था। अब ये हम लोग सिक्रमाइजर हब बोलते हैं इसको, केचर हब भी बोल सकते हैं, हब सिलो। तो ये फिर से हम लोग हब का डालेंगे। हब डालने के बाद इसको भी अच्छे तरह से हम लोग, और ये जो दिख रहा होगा आपको, जो हमने 2 रिंगें बैठाई थी उसमें भी खांचे हैं। तो ये बड़ी खांचे में हमको बैठा लेना है। बड़ी खांचे में बैठाने के बाद लॉक आएगा। तो ये लॉक थोड़ा बड़ी रहती है, बहुत मुश्किल से बैठती है 2 नंबर की लॉक। तो ये जो 2 नंबर की लॉक है, थोड़ा बहुत मुश्किल से बैठता है। तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग बैठा रहे हैं। तो इसी तरह आप भी बैठाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 2 नंबर का पेचकस ले लेना है और लॉक पकड़ ले लेना है, आउटर लॉक पकड़ आएगा इसमें। तो किस तरह से हम बैठा रहे हैं आप लोग देखते रहिए। 2 नंबर का लॉक बहुत हार्ड होता है, थोड़ा इसको बैठाने में बहुत मुश्किल होती है, मगर फिर भी बैठाना है हमको, बैठाना तो ज़रूरी होता है, ये तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। ये देखिए, ये हमारा 2 नंबर का लॉक हमने बैठा दिया, और थोड़ा पेचकस से चारों तरफ से मार लेना है। उसके बाद फ्रेंड, 2 नंबर का हम अपने कंप्लीट कर दिया। तो इसको घुमा कर देख लेना है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, नहीं तो जाम रहता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। गियर हमारा कंप्लीट करने के बाद घूमता नहीं है, तो इसको घुमा कर देख लेना है, फ्री कर लेना है। उसके बाद हम लोग लेंगे हब सिलू को। हब सिलू में जे भी 60 में जैसे खांचे आते थे ना, उस तरह के नहीं है, सिंपल है ये। तो हमने हब सिलू को यानी कैचर रिंग
केचरिंग का हम लोग कुछ इस तरह से ले लेंगे। और इसको देख लीजिए, कोई इसमें नहीं है, इस तरह से हम लोग आराम से बैठा देंगे इसको। तो हमारा हाफ सिलू बैठ गया। बैठाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका फ्लावर किट ले लेंगे जो केचर को, हमारे गियर को एकदम स्मॉल कर देता है, लगाने के टाइम में स्मॉल करता है। तो उसको हम लोग फ्लावर किट को ले लेंगे। अभी हम फ्लावर किट ले रहे हैं इसको। गाइस, फ्लावर किट का मतलब ये होता है कि जो गियर को एकदम जैसे कि हार्ड नहीं लगने देगा, एकदम आपकी बारीकी से आराम से लेगा, स्मॉल गियर लेगा आपका, कोई तकलीफ नहीं, कोई झंझट मारी नहीं होगी। इसके लिए फ्लावर किट डालना ज़रूरी होता है और गियर छोड़ने का बीमारी नहीं रहता इसके कारण। तो फ्रेंड, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके लिए हमने फालतू का पार्ट जो है हमने काट दिया है, और ये इसके लिए हमने बनाया, शॉर्ट में वीडियो बनाया ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको वीडियो में समझने के लिए। तो ये हम लोग फ्लावर किट का पैकेट जो है खोल रहे हैं, नया फ्लावर किट आया था पैकेट, तो इसको खोल रहे हैं हम लोग। तो ये फ्लावर किट जैसे कि GV60 में आता था अलग अलग, इसमें सेम ही आएगा। तो हम लोग फ्लावर किट को डालेंगे कुछ इस तरीके से, स्प्रिंग डाल देंगे, उसके बाद हथौड़ा जैसा थोड़ा आएगा, आप लोग देखिएगा, कभी भी आपके पास आएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। स्प्रिंग डालकर कुछ इस तरह बैठाएंगे, थोड़ा दिक्कत करेगा बैठाने में, बाकी आराम से बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बैठाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग फ्लावर किट को बैठा देंगे। एक पेचकस ले लेना है। पहले GV60 में क्या होता था गाइस कि हम लोग को आराम से बैठ जाता था, लॉक पकड़ लेते थे, उसमें खांचा देता था, बैठ जाता था। मगर इसमें थोड़ा अलग दिया है, 75 की जो गियर है उसमें अलग दिया है, GV60 की तरह नहीं दिया है। तो हम लोग इसमें गियर को क्या करेंगे, एकदम बारीकी से आराम से बैठा लेंगे इसको। देख लीजिए हम लोग बैठा रहे हैं किस तरह है। पेचकस ले लेना है, पेचकस से आराम से दबा देना है इसको, तो बैठ जाएगा आपका। देखिए ऐसे ठोकना है थोड़ा सा, बैठ जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं आपको, दो नंबर का गियर बैठा दिया हमने, थोड़ा सा आयल मार लेंगे, फिर से आयल स्पिन थोड़ा लगा देंगे, और ये कंगन बेरिंग को फिर से डालेंगे इसके अंदर, फिर आयल थोड़ा लगा देंगे ताकि हमारा बेरिंग फ्री रहे, जाम नहीं हो। उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, सैक्रोमाइजर रिंग को इस पर पहले रख लेंगे इस पर, ताकि हमारा जो फ्लावर किट है निकल नहीं जावे, निकलने का भी चांस रहता है। सैक्रोमाइजर डालने के बाद ये हम लोग, अब मैंने फिर से ये एक नंबर का गियर बैठा दिया, एक नंबर गियर बैठा कर इसको हम लोग को क्या करना है कि गियर को लगा कर चेक कर लेना है कि हमारा गियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो ये थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, टाइट जैसा, मगर लग जाएगा आपका गियर दो नंबर और एक नंबर, तो लगा कर देख लेना है। मैं एक नंबर गियर लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए फिर हम बताते हैं, इसमें चाल भी चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा चाल तो नहीं कर रहा है ना, नहीं तो ये क्या होता है कि छोड़ने का बीमारी। ये हम लोग ले लिए हमने रिवर्स गियर, जो रिवर्स गियर है ये छोटा है दिखने में, मगर बड़ी धमाके है इसके रिवर्स गियर का। तो ये छोटा दिखने में आपको लग रहा होगा रिवर्स, मगर इसका बहुत धमाका है, इसी से रिवर्स हमारा पूरा लगता है। तो ये छोटा रिवर्स ले लेंगे हम लोग, लॉक ले लेंगे, लॉक को कुछ इस तरह से बैठा लेंगे लॉक पकड़ से, और उसको फिर से हम लोग घुमाकर चेक करेंगे। एक और दो हो गया हमारा, छोटा रिवर्स गियर डाल दिया। अब फिर से बेरिंग लेंगे, कंगन बेरिंग को इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा आयल लेकर इस पर लगा लेंगे, आयल मार लेंगे इस पर, थोड़ा आयल लगाना पड़ेगा आपको जो डालिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग ये बड़ा रिवर्स गियर डालेंगे। इसमें हमारा क्या है कि गियर शिफ्टर जो होता है ना, जो गियर रॉड रहता है इसका, शिफ्टर भी बोल सकते हैं आप लोग, गियर रॉड भी बोल सकते हैं, इसमें लगता है। और ये हमारा वाइसर, तो इस वाइसर को आप लोगों को जो है लॉन्ग का भाग जो है ऊपर में रखना है, और ये बेरिंग को कुछ चीज़ लेकर ठोक देना है। तो वाइसर जैसे फ्री गया तो सोचिएगा नहीं कि फ्री रहता है, टाइट रहता है, थोड़ा हार्ड जाता है, मगर फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेरिंग हमारा जाम तो है ना, बेरिंग हमारा जाम है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक दो और रिवर्स का गियर कंप्लीट कर दिया, तो हमारा नीचे का कंप्लीट हो गया। अब तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, गियर लगाकर चेक कर लेंगे गियर हमारा लग रहा है कि नहीं। ये गियर लगा कर हम लोग चेक कर रहे हैं कि गियर हमारा अच्छे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखते रहिए, एक और दो
और रिवर्स का गियर कंप्लीट कर दिया हम लोग, नीचे का कंप्लीट कर दिया। उसके बाद कर लेंगे कुछ ऐसा, थोड़ा बैरिंग में गिरिस लगा लीजिएगा आप लोग, हम लोग में गिरिस लगाएंगे इसमें, तो देखते रहिए आप लोग। हमारा गियर कंप्लीट होने के बाद ये हम लोग लेंगे हब का ड्रम ले लेंगे, जो हम हवा में बैठाते हैं और ड्रम लगाते हैं, ब्रेक ड्रम, उसको ले लेंगे। उसके बाद इसको हाउजिंग को रख लेंगे इस पर, तो गियर क्या है हमारा अच्छे से मतलब कम्प्लीटली बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास कोई अगर नहीं है बैठाने का जुगाड़ तो हम लोग इस पर बैठाते हैं, हम लोग ड्रम पे ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि केचर रिंग ले लेंगे, गियर शिफ्टर को ले लेंगे। गियर शिफ्टर को लेकर तो सबसे पहले हम लोग को रिवर्स का गियर शिफ्टर लगा लेना है। तो रिवर्स के गियर शिफ्टर लगाने के बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारा एक और दो का जो शिफ्टर होता है, शिफ्टर रॉड, उसको ले लेंगे। तो ये हमने एक दो का शिफ्टर रॉड ले लिया और कुछ इस तरह से लगा लिया, ये हमारा दोनों मैच हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जो पाँच नंबर का हब जो होता है ना, हब स्लू हब, केचर हब जो बोलते हैं हम लोग, केचर हब को ले लेना है इस तरह, और उसके बाद इसको लॉक से बैठा देना ताकि आपको उठाने में कोई तकलीफ़ ना है। ऐसे तो हम कर सकते हैं कि पूरा कम्प्लीटली गियर बैठा सकते हैं, मगर हमको उतना दिक्कत नहीं करना है। अगर आसानी लेकर बैठाना है तो एक दो और रिवर्स का गियर बैठाकर उसके बाद हमको टॉप का जो हब है उसको ले लेना है, लॉक से लगा देना है, और ऐसे कुछ इस तरीके से हम लोग को उठाकर हाउजिंग के अंदर डालना है। तो आपको अंधेरा दिख रहा होगा, क्या है कि बारिश की मौसम है इसके लिए अंधेरा आपको दिख रहा है, लाइट जलाना पड़ा हमको। तो कुछ इस तरह से हम लोग बैठाएंगे तो क्या होगा कि आसानी से आपका गियर बैठ जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसे बैठा दिए, हम लोग बैठा दिए गियर को, गियर बैठ गया। उसके बाद हम लोग घुमा के देख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, लॉक पकड़ से इस हब को निकाल देंगे। हब निकालने के बाद क्या करेंगे इसको, तो फ्रेंड हब निकालने के बाद इसको हब को निकाल लेना है, मतलब इसे देखना नहीं है। लॉक निकाल दिया हमने और इसको हमने लॉक को निकाल दिया, अभी हब भी निकालेंगे, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अब हमने हब को निकाल दिया। हब निकालने के बाद क्या करेंगे गाइस, फ्रेंड की हम लोग तो तीन नंबर का जो कंगन बेरिंग है, तीन नंबर का कंगन बेरिंग है, उसको डाल लेंगे। ये देखिए तीन नंबर का कंगन बेरिंग डाल दिया, और इसके बाद हम लोग फिर से गियर को डालेंगे, फिर से गियर को डालेंगे। जो मैंने आपको दो नंबर का सिस्टम जो समझाया था सेटअप थ्री का, वैसे ही आएगा तीन नंबर में भी, तो ओनली दो और तीन में ही सेटअप थ्री आते हैं, बाकी में नहीं आती है। ये सेटअप थ्री जैसे मैंने समझाया था वैसे इसको ही रखना है और ऐसे ही डालना है इसको, सेटअप थ्री को भी जैसे मैंने दो नंबर में समझाया था आपको। उसके बाद गाइस हमको केचर हब ले लेना है, केचर हब को लेकर इसमें बैठा देना है। आपको मैंने दो नंबर बताया था कि सेंटर हमको रखना है, सेंटर में रख के बैठाना है। तो गाइस ध्यान से हमको केचर हब को जो है बैठाना है और देखना है कि किस दिशा में हमारा था और किस दिशा में हमको रखना है। तो आप लोग इसमें बारीकी से देख सकते हैं किस दिशा में मैंने रखा है इसको, ऐसे उल्टा है तो ऐसा बैठेगा नहीं, आपका जो केचर हब है आपका उल्टा बैठेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से लॉक ले लेंगे, लॉक लेकर फिर से लॉक आएगा गाइस, फिर से हम लोग लॉक को लॉक पकड़ से कुछ इस तरीके से बैठा देंगे। तो देखिए कैसे हमने बैठाया लॉक को, फिर लॉक बैठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाफ सिलू ले लेंगे, यानी केचर रिंग। केचर रिंग आपको जो सेम है एक दो तीन चार और पाँच छः का, मतलब तीन केचर रिंग आएंगे, तीनों सेम ही आएंगे 75 में, जो 75 में। तो कुछ इस तरह से हम लोग को शिफ्टर रॉड और केचर को मैच करना है और बैठा देना है। उसके बाद हम लोग को फिर से फ्लावर किट आएगा। तो गाइस जो फ्लावर किट हमारा GV60 में जो
देता था, मतलब कि टॉप का जो था वो अलग था, मतलब कि 5 नंबर का जो था अलग था, और इसमें क्या है कि तीनों सेम दे दिया है, फ्लावर किट जो है तीनों सेम दे दिया है, और इसमें से क्रोमाइजरिंग भी सेम ही आएगा आपका, एक से लेकर टॉप तक का आपका सेक्रोमाइजरिंग सेम ही आएगा 75 में। जी 60 में जो गियर था उसमें कुछ अलग देता था, मगर इसमें सेम ही आएगा आपका, छोटा बड़ा नहीं आएगा, सेम ही आएगा। 3 कैचर रिंग आएंगे हाफ स्लीव, वो भी आपको सेम ही आएंगे। तो चलिए हम लोग पेचकस से इसको बैठाते हैं फ्लावर किट को, और इसको कैसे बैठा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं पेचकस से। तो आराम से इसको, मतलब थोड़ा दिक्कत होगा बैठाने में फ्लावर किट आपको, मगर बैठ जाएगा, कोई तकलीफ़ लेने वाली बात नहीं है। पहले जैसा नहीं है, जब 60 जैसा, 60 का गियर क्या होता था कि हम लोग लॉक पकड़ से बैठाते थे, मगर इसमें क्या है कि पेचकस से बैठाना पड़ रहा है। तो आप लोग देखती एकदम बारीकी से देख लीजिए आप लोग, आपको 75 का गियर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार ये गियर बनाना देख लिया आपने तो आपको बनाने में और बैठाने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी कि 75 का गियर ऐसा है हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कोई तकलीफ़ ही नहीं आएगी आपको। अगर आपको तकलीफ़ भी आएगी तो हमको आप कमेंट में बोलिएगा, हम कुछ और बारीकी से आपको बताएंगे, ठीक है, कुछ और बारीकी से गियर बताएंगे बनाना, ठीक है ना। तो अभी बारिश चालू हो गया है, बारिश चालू है भाई। तो हमने बैठा दिया फ्लावर किट को, बैठा दिया, देखिए गाइस बारिश चालू है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, बाकी कोई बात नहीं, आपको लाइट गैस चालू है। फिर से हम लोग कंगन बेरिंग को डाल देंगे, देखिए कंगन बेरिंग को हमने डाल दिया, और थोड़ा आयल ले लेना है, इसमें आयल थोड़ा लगाना है ताकि हमारा फ्रीज है, ऐसा होता है कि जाम भी हो जाता है कभी कभी, तो हम लोग को आयल ले लेना है। इसके बाद गाइस हमको फिर से सेक्रोमाइजर रिंग को लेना है, सेक्रोमाइजर रिंग को कुछ इस तरह से डालना है। उसके बाद ये 4 नंबर का जो गियर है इसको डाल देना है, 4 नंबर गियर डालने के बाद आपको स्पेसर एक वाइसर आएगा, स्पेसर वाइसर को इसको वी टाइप में रखना है, वी टाइप का जो भाग है इसको नीचे के साइड में रखना है, क्या होगा आपको पेचकस से निकालने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उसके बाद इसमें 4 नंबर में गियर में जो है गाइस 75 में 4 नंबर का जो गियर है इसमें सी लॉक आएगा, तो सी लॉक बैठाने में कोई इसमें खांचा नहीं दिया है, हमने सी लॉक दिया हुआ है, तो सी लॉक को कुछ इस तरीके से हम लोग बैठाएंगे। सी लॉक को आप बैठा रहे हैं, हम देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा मुश्किल है मगर बैठ जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी आपको, कोशिश करने पर तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने सी लॉक को कैसे बैठाएंगे, ये देखिए एक जन को ले लेना है, पेचकस से बोल देना कि भाई मारो, पेचकस से थोड़ा मारेंगे, धक्का देंगे इसको, तो क्या है बैठ जाएगा आपका सी लॉक, तो सी लॉक बैठ गया स्पेसर के ऊपर, और पेचकस से मार कर चेक कर लेना है कि हमारा लॉक बैठा है कि नहीं बैठा है। तो हमने लॉक पर बैठा दिया, उसके बाद हमारा 4 नंबर का जब गियर कम्प्लीट हो जाएगा, तो गाइस ये जो हमें सब क्या होता है ख़राब हो गई थी, इसके लिए हम लोग 9 डाल रहे हैं, ये फिर से कुछ नहीं भाई, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है आपको। तो ये फिर से कंगन बेरिंग डालेंगे, कंगन बेरिंग डालने के बाद मार लो भाई आयल, मार लो थोड़ा आयल, मार लिया हमने। फिर से अब इसके बाद 5 नंबर का गियर बैठा लेंगे, 5 नंबर का जब गियर हमारा बैठ जाएगा, फिर से हम लोग को क्या करना है, इसमें सेक्रोमाइजरिंग फिर से आएगी, सेक्रोमाइजरिंग फिर से आएगी, तो सेक्रोमाइजरिंग को ये नवा है, सेक्रोमाइजरिंग को डाल देना है इसके अंदर। सेक्रोमाइजरिंग जब डालेंगे गाइस तो थोड़ा फिर से इसमें नवा चीज़ में क्या है कि 75 में आयल मार लेना है, 75 या जी 60 में इसमें आयल मारना ज़रूरी होता है, नए चीज़ में सेक्रोमाइजरिंग क्या होती है कि चिपकने की ज़्यादातर गुंजाइश रहती है, तो क्या चिपक जाता है, इसके लिए हम लोग आयल मार रहे हैं। फिर से केचर हब को ले लेना है, केचर हब को ले लेना है, और कुछ इस तरीके से डाल देना है। जब केचर हब आप लोग डाल रहे हैं गाइस, तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ऊपर में जो है बेरिंग बैठेगा, प्लास्टिक कवर का बेरिंग आएगा, फिर केचर हब डालने के बाद गाइस लॉक आएगा, फिर से लॉक को हमको बैठा देना है। तो ये हमारा 5 नंबर का गियर हो गया कम्प्लीटली, ओके। तो गाइस आपको मैंने बताया कि प्लास्टिक का जो बेरिंग आएगा, छोटा बेरिंग आएगा, उसको आपको देख लीजिएगा, उसके मैं बैठाऊँगा भी दिखाऊँगा,
फिर से हमको हाफ सिली को ले लेना है, यानी केचर रिंग। तो ये हाफ सिली जो और केचर रिंग का जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हम लोग केचर रिंग बोलते हैं, और दुकानों पे ज़्यादातर जाते हैं दुकानों पे तो वो लोग बोलते हैं क्या हाफ सिली। तो कुछ इस तरीके से ले लेना है, और स्विफ्टर रोड में ऐसे ले लेना है हमको, और फिर से ऐसे ही बैठा देना है। तो गाइस इसमें 75 में क्या खांचे कुछ नहीं है, जो केचर रिंग जो हमारा है, और हाफ सिली बोल भी सकते हैं, हाफ सिली भी बोल सकते हैं, केचर रिंग भी बोल सकते हैं। तो गाइस इसमें कुछ खांचे नहीं है, जो 760 में आते थे वो नहीं है, इसमें सिंपल है। हाँ भाई तुम लगा कर देख लो गियर, तो भाई गियर लगा कर देखना चाहते हैं, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने केचर रिंग बैठा दिया, और पीछे जो हम लोग रोड बैठा रहे हैं, कुछ पीछे के साइड पे ऐसा गाइस आएगा कि शिफ्टर रोलर आएगा, जो हमारे शिफ्टर रोड को रोल करता है। तो रोलर डालेंगे, उसके बाद एक मोटी सी स्प्रिंग आएगी, तकरीबन 1 इंची जैसा, 1.25 इंच का आएगा, ज़्यादा नहीं, 1 इंची जैसा समझ लीजिए, उसको लेंगे। और उसके बाद उसमें कैप भी आएगा, 17 नंबर का रिंच लगेगा, उसको लेना है। तो ये हम लोग फिर से अब दिखा रहा हूँ आपको, फ्लावर किट तो फिर से गाइस इसमें आएगा, तो फिर से फ्लावर किट तो हमको ले लेना है। तो फ्लावर किट हमने बैठा रहे हैं अभी, फ्लावर किट हम लोग बैठा रहे हैं गाइस। बैठ जा भाई, बैठ जा गाइस। इसमें 75 का जो गियर है, इसमें फ्लावर किट बहुत तकलीफ़ है बैठाना, मगर कोशिश करेंगे तो बैठेगा क्यों नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। तो हमने ले लिया, और ये फ्लावर किट तो भाई बैठा रहे हैं, तो हमारा फ्लावर किट कम्प्लीटली हो गया। उसके बाद गाइस ये भाई जो पीछे से लगा रहे हैं, इसमें क्या है कि शिफ्टर रोलर आपको बताया मैंने, तो लगाना ज़रूरी होता है। फिर से हमको क्या करना है गाइस, सेकर वाइजर रिंग को ले लेना है, और इसके रख देना, ताकि हमारा फ्लावर किट जो है, फ्लावर किट हमारा उड़े नहीं, नहीं तो ये क्या निकलने का चांस दे रहता है ज़्यादा। तो फ्लावर किट हम ले लेंगे और इसे लगा देंगे, और गियर को न्यूट्रल पोजीशन पर रखेंगे, जो भी गियर डालेंगे हम लोग उसको न्यूट्रल पोजीशन पर रखेंगे। आपको ऊपर नीचे घुमा कर देख लेना है कि हमारा नीचे का गियर घूम रहा है कि नहीं, ऊपर का गियर घूम रहा है कि नहीं। तो ये मैंने टॉप शाफ्ट का जो हब ख़राब हो गया था, गियर छोड़ने की बीमारी थी, टॉप यानी 6 नंबर का, तो ये हमने नया लेकर आए थे, नया डाल रहे हैं इसमें, तो इसमें बैठा रहे हैं हम, तो हाथ से बैठा रहे हैं, बाकी आपको थोड़ा सा कुछ छोटा हथौड़ा लेकर या कोई छोटी चीज़ लोखंड की लेकर इसमें बैठा देना है, तो ये हमारा बैठ जाएगा। अब देखिए ये फिर से ले लिया हमने छोटी सी, इसको बैठा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, 75 की जो गियर है ना, आपको ऐसा देखने में मुश्किल लग रहा होगा, मगर एकदम सी आसान है ये बैठाना और बनाना भी इसको। अगर आपको हमारे वीडियो में समझ नहीं आया होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको आपको कम्प्लीटली अलग आपको बताएंगे, अलग बना कर दिखाएंगे आपको कि कैसे हमको बारीक एक एक स्टेप बाई स्टेप हमको कैसे बनाना है गियर को, कैसे रखना है, तो हम आपको बारीकी से बताएंगे आपको, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या हुआ भाई, तो हमारा ये, अरे भाई बैठ जाएगा, बैठाओ आराम से बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको कुछ इस तरीके से ले लेना है, कुत्ते भी चलाना चालू कर दिए हैं, अब हथौड़ा से बैठाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे गाइस, अब हमको प्लास्टिक कवर बेयरिंग आएगी, जो प्लास्टिक में लगी रहती है, मतलब कवर उसका जो होता है प्लास्टिक का रहता है, ये देखिए हमने इसको रख दिया। उसके बाद थोड़ा ग्रीस ले लेंगे, तो पहले जो जीवी 60 में जो गियर में आते थे, क्या होते थे टॉप में, जो टॉप सॉफ्ट जहाँ बैठाते हैं हम लोग, वहाँ पर आते थे पहले क्या कि बेयरिंग आती थी, अब इसमें छेरा दे दिया, मतलब छर्रे दे दिए हैं, बेयरिंग का छर्रा जो तकरीबन 1.25 इंच का होगा, वो ज़्यादा नहीं,
तो इसको ले लेंगे और फिर से इसको क्या करना है, बेयरिंग पे प्लास्टिक कवर बेयरिंग जो है इस पर थोड़ा ऑयल मार लेंगे ताकि हमारा ये बेयरिंग जो है कुछ अलग तरीके से है। 75 की गियर में ऑयल लेने के बाद ये ग्रीस ले लिया हमने। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो बेयरिंग का छेरा मैंने बताया छर्रा, उसको एक एक करके ग्रीस लगाकर मेन शाफ्ट में ग्रीस लगाकर एक एक करके बैठाएंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इस गियर को बनाया और कंप्लीट किया, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको खुशी होगी और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए हम इससे भी बेहतर आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो न्यू मैकेनिकल हेल्प लिखकर आप लोग मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं इसको आपको कम्प्लीटली अलग से बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने बनाया इसको। ठीक है, मेन शाफ्ट को अलग रखकर हम लोग पूरा कम्प्लीटली एक से लेकर छः तक का जो गियर होता है कम्प्लीटली आपको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको एक छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी आपको बताएंगे कि हम किस तरह से हमको काम करना है, कैसे करना है, तो आपको बताएंगे हम लोग। ये बारिश आ गया था, थोड़ा मौसम ख़राब के कारण थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, तो ये ग्रीस हमने लगा दिया और छर्रा भी लगा दिया बेयरिंग का। और गाइस जब हम लोग ये बेयरिंग को बैठा दिया हमने, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि टॉप शाफ्ट बैठाते वक्त इसको ध्यान से बैठाना है ताकि छर्रा निकल नहीं जाए, छर्रा निकल भी जाता है। और जो प्लास्टिक कवर बेयरिंग है ये देखिए, टॉप शाफ्ट का जो लॉन्ग भाग है ना उसके बीचों बीच आएगा। कि हमने बैठा दिया, घुमा कर देख लेना है कि जाम तो नहीं है ना, जाम होगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, छर्रा भी निकल जाता है तो भी जाम हो जाती है, प्लास्टिक कवर बेयरिंग जो है थोड़ा साइड हो जाएगा तो भी जाम हो जाएगा। मगर हमने बैठा दिया, आपको भी ऐसे ही देख लेना। और उसके बाद काउंटर, जो गियर का मेन काउंटर होता है वो, अगर काउंटर नहीं रहेगा तो गियर तो लगेगा ही नहीं गाइस। गियर तो लगा देंगे मगर हमारा गियर घूमेगा नहीं, कोई काम का नहीं रहेगा, तो ये काउंटर को हम लोग ले लेंगे। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।